हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एलकेजी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। और हिंदी में हमने मेरा पहला अक्षर शब्द ज्ञान, तो हमने इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ी और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी भी और हमने सीखे भी, लिखना भी सीखे, पढ़ना भी सीखे। अब पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें सीखे, जैसे स्वर, तो आ ई ई उ ऊ, है ना, आ ई ई उ ऊ, फिर री ए आई ओ औ अम आहा, तो ये हमने पढ़े थे। फिर उससे बहुत सारे बताए थे कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, है ना, तो ये सीखे थे। उसके बाद कुछ व्यंजन भी पढ़े थे और व्यंजन लिखना भी सीखे थे। तो आपकी बुक में जो व्यंजन थे, वो व्यंजन हमने मतलब जो पढ़े थे, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध, ये इस तरह से, तो त और थ और द ध न, यहाँ तक पढ़े थे। और उसके बाद में हमने प प ब भ म, तो ये हमने आपको मतलब व्यंजन बताए थे कहाँ तक कि प प, है ना, प प ब, फिर ब, फिर भ और फिर म, है ना, ये। तो प से पतंग, प से, मैंने आपको तीन चीज बताई थी कि प से पतंग, प से पहिया और फिर उसके बाद प से परी। उसके बाद में प से फल, प से फव्वारा और प से फसल, ये हमने पढ़े थे। उसके बाद में ब से बदक, ब से बस, ब से बकरी, ये तीन चीज थी। फिर भ से भवन, भ से भटूरा और भ से भगत, तो ये हमने पढ़े थे। फिर म से, म से मगर, म से मटर, म से मछली। उसके बाद हमने अभ्यास किए थे कि चित्रों के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाओ। तो हमने पतंग का जो पिक्चर बनाए थे यहाँ पर कि, तो उसमें लिखे थे कि ब प म फ, तो यहाँ प पतंग का होता, तो हमने यहाँ सर्कल लगाए थे। उसके बाद प ब फ म, तो प पे सर्कल लगाए थे। फिर म भ प ब, तो ब पे हमने सर्कल लगाए। प म ब भ, तो म पे लगाए थे। म से मगर, प से पतंग, प से फल और ब से बदक, तो हमने ये सर्कल लगा के गोला किए थे। अब चित्रों को उनके पहले नाम के अक्षर से मिलाओ, ये भी किए थे हमने कि चित्रों के उनके पहले नाम के अक्षर को मिलाओ। तो हमने ये मिलाए थे कि जैसे ब से बस, फिर भ से भटूरा, फिर फ से फसल, प से पतंग, म से मछली, ये लाइन मिलाए। फिर इधर से मिलाए थे भ से भवन, प से परी, म से मटर, फ से फल, ब से बदक, तो इतना मिलाए थे। अब इसके बाद में हमको प प ब भ म, हमने इसको पढ़े थे, इसका अभ्यास भी तक किए। अब आपके जो बुक में है, पेज नंबर 36 पे ही आपका बचा था चित्रों के नाम के, चित्रों के नाम का पहला अक्षर, पहला अक्षर लिखो, है ना, चित्रों के नाम के पहले अक्षर को लिखना है ये। तो हमने पहला अक्षर लिखो, तो इसमें हम पहले यहाँ लिख देते हैं अक्षर ब प प और म, है ना, हमने जो सॉरी भ भ म नहीं भ, तो हमने ये जो पढ़े थे कि उसके पहले अक्षर को कुछ अक्षर लिखे हमने। अब यहाँ पर हम एक कुछ पिक्चर बना देते हैं इस टाइप से कि ये क्या है इसके, फिर उसके नीचे आपको हम बता देंगे कि ये क्या है। ओके, तो उसके नाम के अक्षर पे पहले हम फिर गोला लगाएंगे इस तरह से। तो हम देख लेते हैं अभी कि हमने किस तरह से ये किए ऐसा। तो ये जैसे, तो ये हमने बनाए फव्वारे का चित्र, काय का बनाए फव्वारे का। फिर उसके बाद बनाते हैं हम यहाँ पे कि ये क्या है, तो हम यहाँ पर ये चित्र थोड़ा गलत बन गया है, सॉरी, तो इसको हम फिर से बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर
जैसे बना लिए इसका चित्र, बकरी का चित्र। ओके, तो हम इस तरह से ले जाएंगे और फिर इसका ये जो फेस है इस तरह से हम जल्दी से बना लेते हैं। ये यहाँ से हमने सींग दे दिए और ये बकरी का चित्र बना के हमने यहाँ से वो कर लिए और ये बकरी के कान बना दिए इधर से हमने ऐसे। उसके बाद इसको हमने इससे यहाँ पर ले जाके ऐसे ज्वाइन कर दिए। ये हमने नीचे तक ले जाके यहाँ पे पैर बना दिए हमने इस तरह से, और ये इस तरह से हम ये हमने बकरी का चित्र बनाया। उसके बाद में अब आता है भगत। हम भगत का भी पिक्चर बना देते हैं, छोटा सा एक लड़का बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ पर उसको हम इस तरह से पेज बना के उसमें ये है ना। उसके बाद ये फिर यहाँ पर इस तरह से उसको ले लेते हैं ये, और यहाँ तक नीचे तक बना के हम इस पिक्चर को फिर यहाँ से हमने इस तरह से हाथ बना दिए, और इसमें हमने दे दिए ये कुछ बजा रहा है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, कुछ बजा रहा है, तो इसको हमने भगत बोल दिए हैं, जिसे ये आसन के ऊपर भी बैठा हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल, फिर ये तो हमने ये चार पिक्चर बना दिए। अब चार पिक्चर इसमें लिखना है कि चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखो ब ब ब ब। अब उसके बाद में अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये इससे क्या क्या बनता है। तो आपको मैंने आपकी बुक में पढ़ाई थी कि ब, अब ब से क्या बना, बकरी। तो हम यहाँ लिख देंगे तीन लाइन में कि ब से बकरी, ये हो गया हमारा ब से बकरी, यानी हमने ये शब्द ढूंढ के यहाँ लिख दिए। उसके बाद में प से क्या आएगा वो भी देखो, आपकी बुक में क्या बताया है, तीन तीन चीज बताइए। तो प से, फिर उसके बाद में प से और फ से, तो फ से क्या आता है, फवारा। क्या आता है, फ से फवारा। तो ये हमने प फ लिख दिए, सॉरी ये देखिए कि हमने ये क्या लिख दिए, प लिख दिए है ना। और इसके बाद में प ब, और फिर इसके बाद आता है भ। तो ये भगत का चित्र है, तो यहाँ से हम ये भ यहाँ पे लिखेंगे ये लाइन में इस तरह से ये। तो ये है भ, भ भगत का। अब एक अक्षर बच रहा है, ये तीन अक्षर लिख लिए ब प भ। अब क्या बच रहा है, प। तो हमने यहाँ पे ये प लिख दिए तीन लाइन के अंदर में, प पहिए का। ओके, तो ये चारों अक्षर हमने यहाँ लिख दिए। यहाँ पर आपके पेज नंबर 36 पे ये आपको मैंने करवाई थी, चित्रों के नाम के पहले अक्षर को मिलाओ, फिर चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखो। तो हमने बोर्ड पे अभी लिखे, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, आपको इसी तरह लिखना है कि फ फवारे का, ब बकरी का, फिर भ भगत का, फिर प पहिए का, है ना। तो तीन तीन चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हमने एक एक चित्र बनाकर एक एक शब्द बताए हैं। तो जैसे ये ब प फ भ, वैसे फ फवारे का, ब बकरी का, फिर भ भगत का और प पहिए का। तो ये कुछ अक्षर हमने लिखे, कुछ पिक्चर भी बनाए और उसके अनुसार आपको बताए कि ये क्या है। तो ये आपका आज जो है प फ ब भ म, यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट हुआ पेज नंबर आपका जो है, मतलब जो व्यंजन है प प ब भ। तो ये हमने ये व्यंजन पूरे किए, उसका अभ्यास भी पूरा किए, और बोर्ड पे मैंने आपको हर तरह से कि कैसे पहले अक्षर पे गोला लगाना था, कैसे अक्षरों को चित्रों से मिलाना था, फिर जो भी तक चित्र थे उससे अक्षरों को मिलाओ, फिर उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर बताई कि चित्रों के नाम के पहले अक्षर को लिखो। तो हमने यहाँ चित्र बना के पहले अक्षर भी लिख दिए। ओके, तो आपको इसी तरह अपनी बुक में ये पूरा कंप्लीट करते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए बोर्ड पे कि क्या कैसे लिखा है, मैडम ने कैसे करवाई है, तो ये आपको इसी तरह से करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये आप बोर्ड पे देखो एक दो सेकेंड के लिए, जब तक फिर मैं आपको बता देती हूँ कि और क्या करना है ना। तो ये अब हमने पढ़ लिए, अब पढ़ के हम
थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो पढ़ते पढ़ते बोर हुए हैं तो मैंने आपको एक कविता सिखाई थी कि दीपावली है ना, तो आपने किसी ने वीडियो नहीं डाले इस कविता का कि दीपावली की कविता बोलते हुए कि दीपों का त्यौहार आया, खुशियों की बाहर लाया, घर घर में दीप जलाएंगे, अंधेरे को दूर भगाएंगे, मिलजुल कर मिठाई खाएंगे, दोस्तों के साथ खुशियां मनाएंगे। तो ये जो है दिवाली, हम दिवाली मनाते हैं और ये दिवाली की कविता है कि क्या है उसे बताया कि दीपों का त्यौहार है ये और खुशियां लाता है, घर घर में दीप जलते हैं, अंधेरे को भी दूर भगाता है क्योंकि दीप से रोशनी होती है और सब मिलजुल के मिठाई खाते हैं। यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है कि ये कविता कैसी है। अब उसके बाद में थी आपकी एक कविता मछली रानी, तो वो मैंने बोली थी कि आप जब तक इसका वीडियो सेंड करके भेजेंगे मैं तभी आपको दूसरी कविता सिखाऊंगी। तो ये आप दीपावली वाली जो कविता है इसको आपको भेजना है। देखिए ये आपकी बुक है, बुक में बकायदा पिक्चर भी दिए हुए हैं कि कुछ बच्चे खड़े हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो आपको इसी तरह से ये कविता दीपावली की भेजना है, बोलते हुए वीडियो सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।